अब दिग्विजय के बारे में मैं क्या कहूं, मनचाहा बोलते हैं अनचाहा सुनते हैं। अब सिमी कौन के जमाने में पनपाता दिग्विजय बता दें, मध्य प्रदेश का बंटाधार कब हुआ था दिग्विजय बता दें, पूरा तबाह मध्य प्रदेश को कर दिया जिस आदमी ने, सड़क बिजली पानी से वंचित कर दिया, रोज घटनाएं होती थी तनाव की, आज वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर हर समाज, हर समुदाय, हर पंथ सुरक्षित है। कार्रवाई अगर होगी तो गुंडों और माफियाओं के खिलाफ होगी, और वो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो गड़बड़ करेगा वो परिणाम भुगतेगा। कानून भी बने तो सबके लिए बने, कानून की नजरों में सब समान है। मध्य प्रदेश सरकार खिलाफ है माफियाओं के, गुंडों के, बदमाशों के, नशे के व्यापारियों के, भूमाफियाओं के, जितने तरह के माफिया है, गुंडे, बदमाश, चिटफंड के नाम पर लूट मचाने वाले, पत्थरबाजी करने वाले कोई भी हो, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, पब और क्या क्या रियो पार्टी करने वाले, नशे के कारोबारी, कोई भी आ जाए दिग्विजय तो क्या इनको बचा नहीं सकता।